दिम्मू, हीरो बन के हम आ तो गए हैं। पता है नेहरा जी 22-23 फ्लोर ऊपर ले गए, आप सीधे नीचे को ले जा रहे हैं, मानना पड़ेगा पति हो तो ऐसा कर लेगी। हाँ हाँ कहाँ ले आए बवाल यार, चल चल कुछ नहीं होगा। तो भाई रास्ता बहुत ही खतरनाक है ऊपर से नीचे, देख के जाना पड़ रहा है। व्हाट्सएप यार, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भाई जे ब्लॉग्स। तो गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आए भाई, गुड इवनिंग हो रही है केदारनाथ से। हमारे पीछे आपको केदारनाथ मंदिर दिख रहा होगा। तो हम लोग सुबह आए थे, मतलब हमने सुबह 3 बजे निकलना था नेहरा जी, और 3 बजे के बाद हम गौरीकुंड पहुँचे 4:30-5 बजे। 5:30 से हमने यात्रा स्टार्ट की और 12 बजे हम ऊपर आ गए थे। अब यहाँ पर हमने बहुत सर्चिंग वर्चिंग करी, 15-20 जगह रूम देखे, तो कहीं पे 7,000, कहीं पे 9,000, कभी 10,000, या तो रूम ब्लैक के हो, वही जो 500-600-700 के मिलते थे वही रूम आज 9,000 के मिल रहे हैं। और टेंट मिल रहे हैं वो भी 2,000-3,000 के टेंट मिल रहे हैं। तो हमने सोचा यहाँ पर रुकना सही नहीं है, हम लोग नीचे जाते हैं, दर्शन हो गए, पूजा पाठ हो गई है, प्रसाद ले लिया है और अब हम लोगों ने दर्शन भी करे, तो हम लोग नीचे वापस लौट रहे हैं। सेम डे 25 किलोमीटर हम चल कर आए अभी, क्योंकि 22 किलोमीटर हमने यात्रा की और 3 किलोमीटर हमको गौरीकुंड पे भी जो है सोनप्रयाग से गौरीकुंड भी हमें 2-3 किलोमीटर पैदल आना पड़ा है। और अब हम यहाँ पर से वापस जा रहे हैं, बहुत हेक्टिक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि अब यह है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा है, तो इतना चढ़ गए तो इतना नीचे उतर भी जाएंगे, क्योंकि वही बोल रहे हैं हमसे कि जाओ तो हमको रूम मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे कल सोनप्रयाग में, तो हम वहाँ रूम बिल्कुल नहीं थे, हमको रूम मिल गया आराम से। गाड़ी हमारी पार्किंग में लगी, वो भी बिना पैसे, अच्छे से बिना जाम में फंसे हमें गाड़ी पार्किंग मिल गई। और उसके बाद हम जैसे आए तो हमें शेयर टैक्सी भी पहाड़ पर 1 मिनट में मिल गई, मतलब बहुत ही शेयर टैक्सी, भीड़ हो रही थी शेयर टैक्सी के लिए भी सुबह पूछो वो मिल गई। और ऊपर दर्शन करने 24 किलोमीटर चल के आ भी गए, वो भी बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, अच्छा आराम से आए। उसके बाद भैरव मंदिर गए, तो मतलब भोले बाबा ने सारा सेट कर दिया था। और अभी कितने 3:30 या 4 बज गए, अब वो बोल रहे कि बच्चो तुम लोग दर्शन कर लिए, तुम लोग घर को जाओ, चलते हैं चलते हैं आगे। आपको लाइन दिख रही है, ये सब केदार बाबा के दर्शन के लिए लाइन है। अगर आप इस लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो आप सीधे मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन बाहर से आपको दर्शन करने होंगे। अगर अंदर जाने हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो आपको इस तरह लाइन में लगना पड़ेगा। और ये लाइन कम से कम यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे तक लगी हुई है, तो हम चलते हैं यहाँ से नीचे हल्के हल्के। थोड़ी देर में हम लोग पहुँचा लें घोड़ा पड़ाव पे, और उससे पहले यहाँ पे ये है हेलीपैड। और मौसम देखो कितना ख़तरनाक हो रहा है, ये चारों तरफ देखो कितनी भीड़, मिसेस तिम्मू और वो दिख रहा है केदारनाथ मंदिर। जय हो बाबा जी, अगले साल भी बुलाना। तो ये देखिए यहाँ से गौरीकुंड है 15.5 किलोमीटर, और जंगल चट्टी 12 किलोमीटर, भीमबली 9.5, और बड़ी लिंचोली 4.5। वो सामने का मौसम देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है और पहाड़ियों के बीच से धुआं निकल रहा है, और लोग अभी भी आ रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं, क्या बात है। पे के ताल है, तो जिस वक्त हम आ रहे थे उस वक्त तो हम यहाँ रुक नहीं पाए, क्योंकि हमको बाबा केदार के दर्शन करने थे। तो अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो हमने कहा आराम से एक बार देखते हैं ताल को। जब हम पिछली बार आए थे ना सितंबर में, तो ये पानी सूख चुका था, और देखो वो जो पहाड़ी है उस पहाड़ी की इस पर परछाई पड़ रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और पालकी भी मिलती है, पालकी शायद अभी इतने शाम को नहीं मिलेगी, लेकिन घोड़े और ये तो आपको मिल जाएंगे 4:30-5 बजे भी। तो देखो कितनी सारी भीड़ आ रही है, अब देखो हम कब पहुंचते हैं। चल तो दिए हम हीरो बनके, आदिमू हीरो बनके हम आ तो गए हैं। पता है नेहरा जी 22-23 फ्लोर ऊपर ले गए, आप सीधे नीचे को ले जा रहे हैं, मानना पड़ेगा पति हो तो ऐसा कर लेगी। जो वो रास्ता है, पहले वो रास्ता था इस पहाड़ी तक, यहाँ तक दिखता है रास्ता, इसके बाद पूरा गायब हो गया था। और नीचे तिम्मू देख कोहरा कैसा आ रहा है, पूरा बादल ही बादल। चलो 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 चलो, और अभी भीड़ देखो यार कितनी आ रही है भाई साहब।
तो देखो रास्ता है वो, और वहाँ से होते हुए कुछ इधर को यहाँ पे ग्लेशियर हैं एक दो, और हम लोग जा रहे हैं सीधे शॉर्टकट यहाँ से। 2 किलोमीटर कम पड़ेगा हमको चलने में, पर शॉर्टकट बहुत खतरनाक रास्ते होते हैं। लेकिन इसमें वो ये है कि वो भी नहीं मिलेंगे ना हमको खच्चर, भीड़ नहीं मिलेगी ज़्यादा, आराम आराम से चलते रहते हैं नीचे को। तो जो ये वाला शॉर्टकट है, जब हम ऊपर को आए थे ना, हम इस रास्ते से तब भी नहीं आए थे। और ये रास्ता देखो भाई, ये कैसे है, बिल्कुल ये कोने कोने में, और इसके बगल में इतनी प्यारी मंदाकिनी नदी बह रही है। और अभी यहाँ बिल्कुल धुंध हो गई थी, अब फिर दोबारा से उड़ रहा है, हल्के हल्के साफ हो रहा है सब चीज़। मिसेस सिम्मू बहुत पीछे थी, बहुत ज़्यादा, तो मैंने कैमरा निकाल लिया, मैंने कहा कि थोड़ा आगे चल लेगी बच्ची। भाग्य हमारी, तुमने ऐसा करा हमारे लिए, थोड़ा चल लेगी बच्ची, बच्ची को 25 किलोमीटर ले जाके 25 किलोमीटर नीचे ला रहे हैं, बच्ची चल लेगी। उतरना पड़ रहा है भाई, तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। हाँ हाँ, कहाँ ले आए भोपाल यार, चल चल कुछ नहीं होगा, हल्के हाँ इसके बाद बिल्कुल शॉर्टकट नहीं लेंगे, इतनी सब चीज़ है। लेकिन बेचारी डर जाती है पहले, कुछ नहीं करूँगी कुछ नहीं करूँगी, ये ऐसे करके, ये तो रास्ता ही पूरा शॉर्टकट है यार वहाँ तक, वो आगे पूरा शॉर्टकट। अब जहाँ तक भी है तिम्मो, ओखली में सर दे दिया तो क्या घबराना, चलते रहो। ये देखो रास्ता देखो यार, कसम से मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी पहाड़ में गाँव में आया हुआ हूँ, है ना। तो सामने रोड दिखने लग गई है, तो फाइनली हम शॉर्टकट रास्ते से मेन रोड जो है उसमें पहुंच गए हैं। अब तिम्मो कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, ठीक है, ओके, डन 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 डन। हम लोग तो शॉर्टकट लेके आ गए हैं, तो अब पता नहीं कितनी देर में नीचे पहुंचते हैं, वो पर नीचे जाके पता चलेगा ना मेरा जी। अरे हम घोड़े आ रहे हैं ना, हाँ हम थोड़े जल्दी भी पहुंच जाते, लेकिन क्या करें, उधर से भी घोड़े इधर से भी घोड़े, और बिल्कुल जगह है नहीं, सही बात। तो हम लोग वहाँ से कितने 4:30 बजे निकले थे ना तुम, अच्छा ज़्यादा हो गया था, हाँ ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। तो अब हमने एक शॉर्टकट लिया, शॉर्टकट बहुत प्यारा था यार, बहुत प्यारी जगह थी वो, मज़ा आ गया उस शॉर्टकट में। यहाँ पे घोड़े खन 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 चलने में लगे हैं, हाँ वहाँ घोड़े नहीं आ सकते थे, तो हमने कहा चलो इसी शॉर्टकट से चलते हैं। और बहुत ही कम लोगों को पता है वो शॉर्टकट, क्योंकि बहुत ही कम लोग मिले हमको उस रास्ते में, और हमारा 3-4 किलोमीटर बच गया उसमें। हाँ क्योंकि वैसे हम बहुत थक चुके हैं, हमने आज ही पूरी ऊपर चढ़ाई थी और 22-23 किलोमीटर चल के गए थे, फिर से नीचे वापस आ रहे 22 किलोमीटर, तो हमारे तो वैसे हाल बहुत खराब हो, तो मैं 2-3 किलोमीटर बच गया, बहुत हमारे ऐसा लगता है नीचे पहुँच के खतरनाक नींद आने वाली है। शाम हो गई है, उसके बावजूद भीड़ देखो आने में ही लगे, हाँ लोग देखो यार कितने आने में लगे हैं अभी भी, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ऊपर रूम नहीं है और यहाँ से लोग आने में लगे। टेंट की व्यवस्था है, अगर आप ग्रुप में आए ना तो आपके लिए सही है, क्योंकि जितने ज़्यादा टेंट हैं यहाँ पे सब वही है ना, 6 वाले 8-16। हाँ लेकिन ये है कि गंदगी बहुत है यार, टेंटों में मिट्टी विट्टी बहुत हो रही है। हाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, कैसे मैनेज करेंगे। हमने यात्रा तो हो गई, और हमने आपको भी करा दिया, जिन्होंने हमारा प्रीवियस ब्लॉग में देखे हो देख लीजिए, उसमें हमने पूरा केदारनाथ के बारे में सारा कुछ बताया है, पूरे दर्शन कराए हैं, सब कुछ भैरव मंदिर केदारनाथ और वो जो भीमशिला है उसको भी दिखाया है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल लाइक कर दो, कमेंट करके बताना हमारे प्रोग्राम को कैसे। और ये देखो ऊपर से श्रद्धालु दर्शन करके घर को जाते हुए, जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, YJ ब्लॉग्स, ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ाए जाते हैं। हेलो, और तिम्मू ने यहाँ पे समोसे देखे, तो तिम्मू बोलिए मैं समोसे और चाय खाऊंगी, कल नहीं भी बोला था लेट जाएगा। अच्छा इसलिए नहीं खाया, मुझे लगा कि तू रेट सुन के नहीं खाया तूने। तू तो तले हुए तो रखे थे, मैं लग रहा ठंडे होंगे, बोल हाँ जितना आज चला है ना सब चौपट हो जाता, सारी कैलोरी जितनी मैंने आज बर्न की है सारी दोबारा आ जाती हैं। अभी हमारा बहुत ही रास्ता बचा है, तुमको और देखो 1 मिनट रुके। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ तू अच्छी सी जगह ढूंढ और रुक जा, मैंने कब मना किया, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा बदबू ना हो, जैसे ऊपर बैठे हुए थे हम जहाँ पहले घोड़े तो चली जाए बदबू तो आएगी नहीं, वाले नहीं चलो ठीक है देखते हैं कहीं, अब तो जहाँ बोलेंगे वहाँ पर रुक जाएंगे। और देखो अभी मौसम कितना साफ था,
पूरी सामने वाली पहाड़ी सब चीज़ दिख रही थी, और देखो अभी फिर से पूरी धुंध उड़ के आ गई है, वो देखो वो पहाड़ी भी छुपने लग गई है। तो भैया यहाँ पे मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, तो अपने संग रेनकोट, छाता, ये सब चीज़ें ले के आना। और सारी रोड पर तुम ही जाओगे? बिल्कुल कोने में ले आ रहा है, पैदल आदमी कहाँ जाएगा? जाम रुके हैं वहाँ से नीचे, गौरीकुंड 11 किलोमीटर है, 6:30 बज गया है और हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय और पकौड़ी के लिए। तो जो आज हमने शॉर्टकट लिया उसकी वजह से हमको एक भी ग्लेशियर नहीं मिला, और मुझे ऐसा लग रहा था शायद मिलेगा भी नहीं, लेकिन ये देखो एक ग्लेशियर मिल गया, और ये देखो ऊपर तक पूरा, ये धीरे धीरे पिघलता रहेगा ना, पूरा पिघल जाएगा ये। और अब देखो फिर से मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, थोड़े बहुत बादल हैं लेकिन वो जो धुंध थी वो पूरी गायब हो गई है। तो पहाड़ों का मौसम का क्या कहने, औसम ही औसम। बताओ घोड़े को लेके दौड़ रहा है यार, यार देखो 7 बजने वाले हैं, लेकिन जो नीचे से आ रहे हैं घोड़ों में और पैदल, वो लोग तो रुक ही नहीं रहे हैं, अभी भी लोग पैदल आ ही रहे हैं। और पता नहीं हमारी लाइन क्यों रुक जा रही है यार, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है गौरीकुंड 9 किलोमीटर, जंगल चट्टी 5:30, तो अभी हमको जाना है 9 किलोमीटर और। अरे यार तुम इधर से भी ला रहे हो, उधर से भी ला रहे हो, नहीं कि घोड़ों के एकदम चिपक के जाओ तो ये लात भी मार देते हैं, इनकी लात लग गई ना तो अपनी तो वाट लग जाएगी। देखो कितने लोग आ रहे हैं यार, अभी भी पैदल भी आ रहे हैं, कब पहुँचेंगे पैदल? जब हम नीचे पहुँचेंगे तब ये पैदल पहुँचेंगे, फिसलने के चांसेस हैं यहाँ पे, 2-3 बार तो पाँव रपटा है लेकिन संभल गया है, भगवान पहुँचा दो आराम से नीचे। तो फ्रेंड्स हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया है, अब हमको शायद 1-1.5 घंटा और लगेगा नीचे जाने में, इसके बाद क्या पता GoPro से व्यू भी ना आए। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन लोगों ने देखा है लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलते हैं आगे, को यहाँ आदमी कम घोड़े ज़्यादा चल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये दो रास्ते कटते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है और यहाँ से घोड़े बहुत आते हैं, तो हम जाएंगे शॉर्ट वाले रास्ते से। और देखो अंधेरा कितना हो गया है, मतलब एक बार याद है नीचे देखिए, जब हम जॉर्ज एवरेस्ट गए थे, मसूरी गए थे जॉर्ज एवरेस्ट, तब भी हमें सारे लोग वापस आ गए थे, हम लोग से लेट आए ना मेरा जी, मतलब वो भी बिल्कुल जंगल वाला रास्ता था, सीढ़ी है, हम ही थे पूरे जंगल में, भाई साहब जंगल में हम दोस्त, और आज भी ऐसी ही है, लेकिन आज ये है कि ये जो रास्ता है रात भर चलता रहता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। रात में ना हमको नाली भी देखनी पड़ रही है, ऊंचा नीचा भी देखना पड़ रहा है, सीढ़ियाँ भी देखनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा मतलब हो रही है प्रॉब्लम, बाबा केदार का साथ है तो क्या प्रॉब्लम है ना। हाँ बस चले आएंगे थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, 7:30 हो रहा है, उन्होंने सोचो हम घर में 15 सीढ़ी चढ़ने में आप जाते हैं ऐसा हो जाता है, आज उन्होंने 25 किलोमीटर ऊपर चढ़ाने के बाद हमें फिर से 15 किलोमीटर नीचे आ गए हम, तो जो इतना चल लिए तो हो जाएगा सब, सभी वही करा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो भाई रास्ता बहुत ही खतरनाक है ऊपर तो से नीचे, देख के जाना पड़ रहा है, और तो अभी यहीं पर बंद करते हैं, देखते हैं आगे कुछ और दिखा सकते हैं कि नहीं, चलते हैं फिर आगे। 75 years later, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, तो हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड पे, और टाइम कितना हो रहा है तुम, और टाइम हो गया है 10:30, तो 5:45 चले थे हम, तो लुढ़कते पुड़कते आ गए हम, तो बस लेते हैं यहाँ से टैक्सी और चलते हैं घर को, घर को मतलब होटल कर रखा है, अभी वो भी नहीं हुआ है, वो यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, उनको फ़ोन कर रहे हैं आवाज़ ही नहीं आ रही है एक तरफ से, तो देखो जो होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं, तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल YJ ब्लॉग्स।